के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मांग को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। रायपुर स्थित नागपुरा में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा पदाधिकारियों ने किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पहले सरकार ने केंद्र को बार बार पत्र लिखे, 1 नवंबर से धान खरीदी करें। अब खुद सरकार ने 1 माह विलंब करके धान की खरीदी शुरू की है, जिससे किसानों का अपमान हुआ है। इतने दिन पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। वादा खिलाफी के विरोध में आज आक्रामक नजर आ रही है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को लेकर आंदोलन की भूमिका बनी है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे लड़ाई जारी रहेगी। अंतर की राशि बाद में देने जाने की बात कर रही है, ये तो सरासर वादा खिलाफी है कि आप न केवल अंतर की राशि दे रहे हो बल्कि किसानों के धान के रकबा कम करने की बात कर रहे हो, उनके छापा मार रहे हो और किसान को अपमानित तो मत करो, विरोध इस बात के लिए कर भी है। हमारे साथ तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो यहाँ पर धरना देने पहुंचे थे और लगातार बीजेपी आज पूरे प्रदेश में सरकार के वादा खिलाफी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर भाजपा ने प्रदेश